सतनाम श्री वाहिगुरु जी अध्याय 48 श्री लहणा जी दा सेवा करना। दोहरा श्री सरस्वती नाम शुभ मूल सुख अवता बेल फूलन फलन लाल तव उगत जोगत लख मेल। भाई साहब जी कथन कर रहे हैं जिहड़ी सरस्वती बाकबाणी है वो मान लो सारे शुभ कार्यों का मूल मुंड है। जी तो कविता रूपी जी बेल है ये फुटती है फूलन फलनों ललत वो और फिर फूलना तो फलना ललत बड़ा सुंदर है। उगत जुगत लख मेल उगतियाँ जुगतियाँ है जी उगतियाँ और जुगतियाँ वो लखां दे मिलापना ये जिहड़ी सरस्वती है जी तो कविता पैदा हुंदी है ये बड़ी सुंदरता दे नाल फल फुल रही है। इस वास्ते ललत नाम सुंदर दा उक्ति हुंदी है जिहड़ी कविता दे विच कोई दलील जां विचार जिहड़ी है वो कही जाए। जुगती वो तरीका जिहदे नूं बचन जिहड़ा कीता जाए। इस वास्ते कहिंदे जिहड़ी शुभ पवित्र नाम वाली सरस्वती है ये तो मान लो मूल मैंने एक जड़ दी ने जी तो ये कविता रूपी जिहड़ी बेल फुट रही है पैदा हो रही है। ये जिहड़ी बेल है उगतियां ते जुगतियां लखां दे मिलाप तों जी बड़ी सुंदरता दे नाल फल भी रही है फुल भी रही है फलीभूत हो रही है। पहला फुल आउंदा फिर फल आउंदा। फूलन फलन ललत वा उगत जुगत लख मेल उगतियां ते जुगतियां जिहड़ियां लखां दे मिलाप नाल बड़ी सुंदरता दे नाल फल फुल रही है। ऐसे एक अलंकार होंगे तो जो कोई गल किसी कटाक्ष ना की जाए या व्यंग रूप ना की जाए तो वह फिर जुगती बन जाती है। तो उगती जी जिद कविता का कोई हाल हवाल जरा वो कहा जाए इस वास्ते कवि जी ये सारा स्पष्ट करके दस रहे हैं कि क्योंकि कवि जड़े है वो उगतियां जुगतियां दे नाल सारी गल फिर करते हैं जिहदे नाल इंसान नूं कोई गल जड़ी है वो समझ विच आ जाए। चौपाई कितक दे सुझाव रहत बताए कुछ दिन रहिंदिआं जदां इस तरह बतीत कीते सेवा कर ही प्रीत वधाए। बहुत श्रद्धा भगती प्यार नाल सेवा कर रहे हैं ज्वाला परसन गयो जो संगा वो जड़ियां संगतां ज्वाला दी पूजा ली गईयां सी सो आयो पुन सहता मंगा वो बड़े उत्साह नाल वापस आ गए। लहणा बैर बुलाए बुझेरा उन्होंने भाई लहणा जी नूं बाहर बुला के बुझेरा बुझिया देहो दिखाए दरस गुर केरा कहिंदे सानूं भी अपने सतगुरां दा दर्शन करवा दिओ। सब को ले निज संग अगारी सारे नू नाल लैके अगे अगे जा रहे हैं। आवद पा धर्मशाल मझारी उत्थे आ गया जिथे धर्मशाला सी हाथ बंद कह गिरा बखाने हाथ जोड़ के बाणी कही सुनिए बेनती श्री गुण खाने ये गुणा दी खान साड़ी बेनती सुनो ग्राम खडूर मन जवाओ आए के खडूर साहब नगर तो बहुत पुरश आए हैं चाहत तुमरो दर्शन पाए ये तुहाडा दर्शन पाउणा चाहुंदे हन कृपा दृष्ट सो देह गसाई कृपा दी दृष्टि नाल देख के सतगुरु जी ने बोले संगी लेहो बुलाई कहन लगे जिहड़े तुहाडे संगी इन्हां नूं बुला लो आस पाए बरिंद नर नारी बहुत इस्त्रियां पुरश आ गया पा के ले पहुंचो धर्मशाल मझारी उन्हां नाल लै के धर्मशाला दे विच पहुंच गए।
करी कामना जिह नर जोई जिस पुरश ने जड़ी जड़ी कामना की वह है पूर्ण पाखी सोई उन्होंने जिम्मे कही महाराज ने उन्होंने कामना पूरी करती। संघासन बैठे गुण खाने सिंघासन ते गुणा दी खान बैठे सी दर्शन कर बंधन मनवाणी मनवाणी शरीर करके दर्शन किते फल अर फूल अपायन धर ही फल ते फुल भेटा धर रहे हैं अपायन भेटा धन धन गुरबचन उचर ही धन धन कह के सतगुरु के जस बचन उचारण करते हैं। बेनती भाख हैं खरे अगारी अगे खड़ के बेनती कह रहे हैं सफल जन्म होयो इस बारी कहिंदे इस बारी साडा जन्म सफल हो गया जिस जे करी कामना जोई जिस जिस ने जिहड़ी जिहड़ी कामना की पूर्ण करत पए गुर सोई सतगुर सच्चे पातशाह नूं कामना पूरियां कर दित्तियां। एक निसा बस पुर करतारा एक रात करतारपुर नगर च रह के सर्व संग निज ग्राम पधारा सारे संगी आपो अपने नगरां नूं चले गए लहना रहो प्रेम कर पासा भाई लहना जी प्रेम करके महाराज दे कोल रहे सेवा करे जो होए अवासा आवास घर च रह जिहड़ी सेवा हुंदी सी उह कर रहे हन झूठे भांजन मांजन कर ही झूठे जिहड़े भांजन भांडे उहनां नूं मांजना करदे हन चरण पुखार हर खुर धर ही चरणां नूं भी धोंदे आ बड़े प्रेम नूं धार के बिंजां लाए हाक ही पौना गर्मियां दे महीने च पखा लै के ते हवा चल रहे हैं हाँ कि मैंने चल रहे है बिंजन भोजन बढ़नी फिर है सगरे भोना और इस तरह इत्थे बिंजन भोजन का ना ते बिजन ना पखे का पखा लै के हवा चल रहे बढ़नी फिर है सगरो भोना और इस तरह बिंजन भोजन होंगे आदिक ना देख लो फिर फर्क पै जाता बिजन नाम पखे का पखा लैके चल रहे है बढ़नी फेर है सगरे भौना सारे भौन घर च बढ़नी मैंने झाड़ू फेर दे सतगुर पर के वस्त्र पखार है और सतगुर सच्चे पातशाह के जड़े पहनने वाले कपड़े है वो पखारे मैंने धोंदे है निस दिन सेवा करत गुजारे निस दिन हमें सारे दिन रात सेवा च गुजारते हैं मुख देश देखते रहे सदाई सतगुरु के मखार बिंद वल हर वेले देखते रहेंदे जब गुण खानी देह रजाई जदों गुणा की खान कोई हुक्म देंदे हैं आग्या तत्शन करे प्रीत और धारी तत्शन मैंने फिर छेती मन च प्रीत धार के सरल हृदय पथा मता उदारी क्योंकि उन्हों का जड़ा मन हिरदा सी बड़ा सरल सुभाव सी उते मन जड़ा बड़ा उदार सी नेता प्रति शरदा मन भीनू हाँ जी हमेशा उन्हों का मन शरदा न भिजा रहा है निज जी रचन समर्पण कीनू अपना जड़ा मन सी सतगुरु जी नू सौंपना कीता सी भई प्रीत ने जाए बखानी इन्नी मन च प्रीति वह कह के दसी नहीं जाती को उपमा दो कछ न समानी कोई उपमा दे नहीं सकती जिदी बराबरी करके दसीए अल पतंग मृग की जानी जिमें पतंगे की जड़ी प्रीति है ओ अपने दीवे की लाट नाल हुंदी है मरेकी जानी जिमें हिरन की जड़ी प्रीति है वह घंटे हेड़े के शब्द न हुंदी है तिन ते तूरन ता पहचानी इस वास्ते इन्हां गल्लां तो छेती पछाणिया जाता है सीस देन की होए जे रजाई जे सिर देन की रजाई आ गया हो जाए पलक मात्र कभै न बिलमाई थोड़े मात्र भी वो देरी नहीं ला सकते एक दिवस बेदी कुल राई एक दिन बेदियां दे कुल दे राजा रूप पौडे सहजा पर सुखदाई सुखाली सहजा ते बराजे हुए सी सुखां दे दाते माया धार आपनू बेखा फिर उन्हें माया अपना स्वरूप धार के कमल वलोचन रूप बख्शेखा फिर सतगुरां दा जड़ा कमल वर्गा चेहरा सी उस सुंदरता नू देखण वास्ते विशेष रूप च मणि मैं भूखण झलकत अंगा जड़ा महाराज शरीर सी हीरे रतना ना जड़े हुए जड़े गहने भूखण वो झलक रहे सी वस्त्र कुसुंबी बने सुरंगा सारे जड़े वस्त्र सी वो लाल रंग दे बने हुए सी चांपत पद पंकज गुर केरे सतगुर सच्चे पाह चरण कमलां नू घुट रहे सी चांपत मैंने कुटना
सेवा कीनी भाव कनेरे बड़े प्रेम नाल सेवा कर रहे सी। बड़े प्रेम नाल सेवा हो रही सी। लैणे तत्शन बिजना लीने लैणे ने तत्शन मैंने छेती बिजना पखा लैके पौन करन आयो रस भीने प्रेम दे विच भिजे हुए हैं जी पखा चलन लई आए। भिख सरूप को मन विसमायो उस रूप देख के मन च भरमाए कछु न जानो गयो ले जायो कोई समझ नहीं सके मन च थोड़ा लजाए मन होए। निकस गई कर सेवा जब ही जदों माया सेवा करके निकल गई हाथ जोड़ के बुझो तब ही फिर हाथ जोड़ के पुछया को अंगना ए दिव्य स्वरूपा कहन लगे महाराज ए कौन देवी दिव्य स्वरूप सी अलंकार पर बेख अनूपा ते गहने धारे हुए सी ते दा भेख बड़ा सुंदर धारिया होया सी पद पंक सेवा धर भाऊ बड़ा प्रेम धार के आप जी दे चरणा की सेवा कर रही सी बंधन कर गमन दे शिकाऊ नमस्कार के केड़ी जगह चले गई केड़ी दिशा चले गई मैं एक पीखी और नह देखी एक मैं देखिया होर ने नहीं देखिया और मैं अचरज भयो बशेखी मन च बड़ा आश्चर्य होया है। सुन के श्री बेदी कुल केतु सुन के बेदियां दी कुल दे निशान बोले भेद बतावन हेतु इस गल का भेद दसन लई बोले तुझ पर श्री करता कृपाला तुहाडे दे कृपालू है करता पुरख तवे बलोक्यो रूप वसाला तुसी विशाल स्वरूप नू देखिया है और किसी को नज़र ना आवै होर किसी नज़र नहीं आ सकिया तां को पार ना पायो जावै उदा पार नहीं पाया जा सकता है। माया रूप जगत नर जो ये संसार जिन्ना माया स्वरूपी मनुख है सब परमाए बचो न को माया ने सब नू परमाया ही तो कोई नहीं बचिया दोहरा सो आव तिस होत ते द्वादश को संदूर इस वास्ते कहंदे ये बारह को दूर तो आउंदी है रहत हमारे पास ते चल वल है ना हजूर पर साडे सामने पातशाह कहंदे उहदा कोई चल वल धोखा ढंग जिहड़ा चल नहीं सकता है चौबी रहो चाह तै निकट को चाली और इस करके कहंदे जिहनूं इह प्राप्त हो जाती है वह खोटी चाल चलन लग जाते हैं पाए जाहे नर होत घटाली ते जिहड़ा फिरनूं पाउंदे है उहनां दा भी तरीका होर बन जाता है जी उन्हों का भी जड़ा मन की अवस्था हाँ जी वो होर बन जाती है पैड़ी चाल वाले हाँ जी तो इस तरह फिर बन जाते जाते सेव कर सो आई इस वास्ते सेवा करने वास्ते माया आई सी और घुटाली पातशाह कहंदे पे जिन्हों प्राप्त करके ये जड़े जीव है हैं जी कुचाल वाले हो जाते हैं गलत पासे तुर पाते हैं कहंदे साढ़े सामने वे छल वाल चलते नहीं जिन्हों फिर प्राप्त करके ये कुचाल वाले बन जाते हैं तो इस करके साढ़े न कहते जरा छल वाल वो चलता नहीं है जानते सेव कर सो आई इस वास्ते सेवा करने वास्ते आई सी इस तरह हून समीप सदाई सदा हाँ जी टिकन वास्ते नेड़े आती है द्वितीय स्वरूप धरै हम जब ही सातों कहते बारह को परे रही है जदों अं दूजा स्वरूप धारांगे कष्ट को स्पर्थित होवै तब ही फिर छे कुहां ते आके टिक जाएगी तृतीय तन दर पर चल आव है जिले तीजा शरीर धारांगे ये दरवाजे ते चल के आ जाएगी सेव करै सब भांत रजावे सेवा करके हर तरह रजावेगी मतलब प्रसन्न करेगी करै चतर थी जब हम देही जद अं चौथा स्वरूप धारांगे श्री गुरु रामदास जी का चौह दर पर छे आवै ही ये चारे दर्जों तो आके प्रवेश करेगी इस प्रकार सा भेद बतावा इस तरह सा भेद दस्या सुन लेना हिरदे हरखावा पाई लेना ही सुन के खुश होए भरियो प्रेम और सेवा कर ही मन प्रेम भर गया ते सेवा करन लग पै नहीं अहंता रंचक तर ही
अंगता बिरती रंजक थोड़ी भी नहीं धारदे हन। इस वे दिवस बतीते केते इस तरह कहिंदे कई दिन बीत गए। करै सदन हुए कार्य जेते जिन्ने करदे कार्य सी सारे करदे हन। एक समय धर्मशाला माही एक समय कहिंदे धर्मशाला विच रुचर प्रियंक डसावा ताही सुंदर पल गडाया होया सी ते पर पौडे उते गुसाई उदे दमारे बराजे सी। लैणा सी तलपौन चलाई पाई लैणा जी ठंडी हवा चल रही सी। हालत हो तो पद पंकज दो देखिया महाराज दोनों चरण जड़े हिल रहे सी। जिन के है समीपना को जिन्हां दे नेड़े कोई भी नहीं सी। ए बलोक लैणा बिस्मान्यो ये देख के भाई लैणा जी बड़े हैरान होए। जयकर जोरे बचन वखान्यो दोनों हाथ जोड़ के बचन कहा कि हे कारण पद पंकज दो ये की कारण है। दोनों चरण चंचल हो ताप ते सोई ये अपने आप हिलजुल रहे चंचल हो रहे कोई न पिखद जिन्हें समीपा। कहिंदे आप दे कोल नेड़े कोई भी नहीं मैं देख रहा। सुन बोले बेदी कुल दीपा बेदियां दी कुल दे प्रकाश सुन के बोले तू है मेरो परम प्यारो। कहिंदे आप तुसी मेरे बहुत परम प्यारे हो बड़े जांदे सभी भेद विचारों जिस करके मैं तुहानू सारा गुप्त भेद दसदा। अमर बिंद छवै छै जुग पाई जड़े अमर देवते आ वह दोहां चरणां नू छू छू के जा रहे नमस्कारां करके बंधन कर कर सदन सदाई नमस्कारा करके अपने घर जा रहे हैं। आप हैं मिल कर कब कब सारे फिर कहते कदी कद सारे मिलजुल के आते हैं। गुप्त रूप नर नाहे निहारे ये गुप्त रूप इन्हों मनुष्य नहीं देख सकते। सूखम श्री राम सुन कह सत सत प्रभु सो सुन के कहते हे प्रभु सत है सत है। बंधत पापद पंकज दो फिर दोहां चरणों के नमस्कार की परम प्रेम जागे और माही बहुत प्रेम मन च जागया। रंग्यो रंग भगत मन जाही जिन्हों का मन भगती दे रंग च रंगया गया। एक मन वह पढ़ है गुरबाणी एक मन अकागर हो गुरबाणी पढ़ते हैं। सुने गुने कीरत चित मनी सुनते गुण दे विचारते हैं चित विच मनते हैं गुरु के बचना। वाहिगुरु को सिमरन कर ही फिर सतनाम वाहिगुरु जी का सिमरन करते हैं। उम गुम मुख सुजस चर ही उम गुम ने बड़े उत्साह सतगुरां का जस उचारण करते हैं। चीत प्रीत की रीत नियारी उन्होंने मन च चित जड़ी प्रेम वाली रीति है दुनिया ने नियारी है। लिव लागी निस दिन सुखकारी और सुखां दे दाते दे नाल दिन रात लिव लगी हुई है सुख देने वाली। करते हो सेवा समा बिताव है सेवा करदे समा बतीत करदा वेले नहीं रहिंदे जा कार्ज को हृदय ने आव है। संसार का जड़ा काम है वह मन च नहीं लिया। इस विधवा सिर किते बिताए इस तरह कई दिन बतीत किए चरण कमल मन भौर लवाए। सतगुरां दे चरण कमलों ते मन भौर लवाए मन होया होया बैठे होते बेद कुल दीपा कहिंदे बैठे सी बेदियां दे कुल दे प्रकाशक पाँव पलोस्त होए समीपा नेड़े बह के महाराज के चरणों नू पलोस्त घुट रहे सी। कर पसरू पिंडरी जब देखी ते जदों कहिंदे फिर महाराज की जिहड़ी पिंडरी मैंने पिनी सी उहनू देखियो जदों हथ दे नाल पिनी नू स्पर्श किया तो पिनी नू देखिया जिन को लगी झरीट बछेखी। वह महाराज दिंजणियां जिहड़ियां सियां उहनां नू झरीटां बहुत लगियां देखियां। गुजो लहणा दुआकर बंदे भाई लहणा जी ने दोनों हथ जोड़ के नमस्कार करदियां पुछया केवद कंटक लगे मकंदे ये मुक्ति दाते ये कंडे किवें लग गए हन। बहर कहूँ अस्ठौरन माही कहिंदे बाहर तां आप जी किसी होर जगह गमने प्रभ आप कब नाही ये प्रभु आप कदी बाहर गए नहीं। अब लागी है परें लिखाई हुण इह प्रतीत हुंदी है हाँ जी भी तुहाडे कोई इस तरह झरीटां जिवें लगियां यह कारण मुझ देहो बताई ये की कारण है ये मैनू दस दौ। सुन के श्री गुरु गिरा लाई सतगुरु सुन के बाणी कही ये कयाली अजा चराई। कहिंदे कयाली जिहड़ा अपने भेडा बकरियां चार रहा सी याली मैंने आ जड़ी जड़े बकरियां चार दे अजा नाम बकरी का दोहरा मन अकंत है प्रीत जुत पढ़े सुहला सोए। कहिंदे ओह मन नूं एकागर करके बड़े प्रेम ना कीर्तन सोला जी का पाठ कर रहा सी। कंटक चारा पार जै फिरत प्रेम मैं होए
ਉੱਥੇ ਕੰਡੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਝਾੜੀਆਂ ਸੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਘੁਮਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚੌਪਈ ਅਵੈਸਵੀਂ ਵਿਚਰੋ ਅਤੇ ਹੇ ਸੰਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਕ ਅੰਗਾਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਝਰੀਟ ਲੱਗੀ ਇਹ ਜਾਣੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝਰੀਟਾਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਐਸਾ ਜਾਣੋ। ਲਹਿਣੇ ਸਾਜ ਬਚਨ ਮਮ ਮਨੋ, ਇਹ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਓ। ਪੜ੍ਹੈ ਸੋਇਲਾ ਜੋ ਕਿਤ ਕੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਸੁਲੇ ਕੋਈ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮੀਪ ਨਿਸ਼ਚੇ ਮੈਂ ਹੋਊ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਹੱਸ ਕੇ ਪੁਨਿਕ ਸਿੱਖ ਹਕਾਰਾ, ਐਸਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹਕਾਰਿਆ, ਅਤੇ ਸੁਣ ਬੋਲੇ ਮੁੱਖ ਅਧਾਰਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲੇ। ਅੰਬਕਾ ਜੋ ਥਲਾ ਤਾਹਾਂ ਆਲਾ, ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਜੜੀ ਹੈ, ਅਜਾ ਚਰਾਵਤ ਪ੍ਰੇਮ ਬਸਾਲਾ, ਅਜਾ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਚਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਵੋ ਤੁਮ ਅਤੇ ਨਿਕਟ ਨਿਹਾਰੀ, ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਆਦਰ ਯੋਗ ਸੋ ਆਏ ਹਕਾਰੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਓ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਹਕਾਰੀ ਮੈਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਓ। ਆਏ ਸਪਾਏ ਗਏ ਸਿੱਖ ਤਹਿਵਾ, ਆਗੇ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਅਜਾ ਚਰਾਏ ਆਲੀ ਜਹਿਵਾ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਆਲੀ ਆਜੜੀ ਅਜਾ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਚਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਬਲੋਕ ਬੋਲਿਓ ਮ੍ਰਿਦਵਾਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਮਲ ਬਾਣੀ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਜੇ ਹਕਾਰਤ ਗੁਰ ਗੁਣ ਖਾਨੀ, ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਸਤਿਗੁਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਕਾਰਤ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਣ ਕਰ ਚੱਲਿਓ ਸਿੱਖ ਕੇ ਸਾਥਾ, ਉਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਆਏ ਨਵਾਇਓ ਯੋਗ ਪਗ ਮਾਥਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਯੋਗ ਦੋਹਾਂ ਪਗ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ। ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਦੇਖ ਸਾਈ, ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੇ ਆਲ ਸੋ ਗਿਰਾ ਲਾਈ, ਉਹ ਆਜੜੀ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਹੀ ਦੋਹਰਾ, ਸੋਵਨ ਸਮੇਂ ਬਖਾਨੀ ਹੈ ਕੰਠ ਸੋਹਲਾ ਜੋਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ। ਅੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਰੋ ਕਰੀ ਦਵੈਤਰੇ ਦੇ ਦੇਖੋਏ, ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਮਨ 'ਚੋਂ ਦਵੈਸ਼ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਚੌਪਈ ਸੁਣ ਇਆਲ ਨੇ ਬਿਨੇ ਆਚਾਰੀ, ਅਤੇ ਆਲੀ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਬ ਜਿਉਂ ਹੋਏ ਰਜਾਏ ਤੁਮਾਰੀ, ਅਬ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਾਈ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਿਉਂ ਮੈਂ ਕਰ ਹੁਣ ਧਰੋਰ ਪ੍ਰੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਨ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰ ਕੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋਈ ਲਖੋਂ ਸ਼ਾਂਤਦਾਰ ਰੀਤੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰੀਤੀ ਸਮਝ ਲਵਾਂਗਾ। ਨਿਕਟ ਜੇ ਨਰ ਪੇ ਬਿਸਮੈਂ ਤਬ ਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇੜੇ ਸੀ ਉਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਧਰਿਆ ਗੁਰੂ ਪਰ ਸ਼ਰਧਾ ਸਭ ਹੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰੇ 'ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰੀ, ਭਿਖਿਓ ਲੋਚਨ ਕਾਰਨ ਜੋਈ, ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਝਰੀਟਾਂ ਵੱਜਣ ਦਾ। ਦ੍ਰਿੜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਮੈਂ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੜ੍ਹੈ ਸੋਹਲਾ ਸੋਵਨ ਕਾਲਾ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲਾ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਹਿਰਦੈ ਤਰਕੇ ਧਿਆਨ ਵਸਾਲਾ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਿਨਕਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਖਵਾਰਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਭੈੜੇ ਸੁਪਨੇ ਜਾਂ ਬਾਦਰੂਆਂ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਹਿਰਦੇ ਧਰ ਕੇ ਧਿਆਨ ਵਸਾਲਾ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਮਹਾਨ ਧਿਆਨ ਧਾਰ ਕੇ ਤਿਨਕਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਿਘਨ ਸਰਬ ਕੇ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਾ, ਸਾਰੇ ਬਿਘਨ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੀਨ ਵਰਖ ਜਬ ਇਸ ਵਿਧ ਬੀਤੀ, ਜਦੋਂ 3 ਸਾਲ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਬੀਤ ਗਏ, ਲਹਿਣਾ ਸੇਵ ਕਰੇ ਜੁੱਤ ਪ੍ਰੀਤੀ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੁੰਨ ਕੇਤ ਸੁਧ ਲੈਣੇ ਕਾਰਨ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖਬਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਦੀਨੀ ਦੰਭ ਵਧਾਰਨ, ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਣ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਭ ਜਾਏ ਨੰਬੂਰੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆਗਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਮੋੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਬੰਦੇ ਪਦ ਪੰਕਜ ਕਰ ਜੋਰੀ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ 'ਤੇ। ਗਮਨਿਓ ਪੰਥਰੇ ਦੇ ਤਰ ਧਿਆਨਾ, ਮਨ 'ਚ ਧਿਆਨ ਧਾਰ ਕੇ ਰਸਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਨ ਥਿਰ ਕਿੰਚਿਤ ਨਾ ਹੀ ਡੁਲਾਨਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕ੍ਰਮ ਕਰ ਪਹੁੰਚ ਖਡੂਰ ਮਝਾਰਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਖਡੂਰ ਨਗਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪਰ ਵਿਛੋ ਸਦਨ ਮਿਲਿਓ ਪਰਿਵਾਰਾ, ਆਪਣੇ ਸਦਨ ਘਰ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਤਬ ਸਭ ਨਰਨ ਕਾਨ ਸੁਣ ਪਾਇਓ, ਸਾਰੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਕਾਲ ਬੇਤੇ ਬਹੁ ਲਹਿਣਾ ਆਇਓ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਆਏ ਹਨ। ਮਿਲਣ ਹੇਤ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਸਭ ਹੀ, ਮਿਲਣ ਦਾ ਹੇਤ ਕਰਕੇ ਸਬੱਬ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਸਜਸ ਕੈਦ ਚੱਲ ਆਏ ਤਬ ਹੀ, ਜਸ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਆਦਰ ਕਰਨ ਸਭ ਤਾਈ, ਸਾਰੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ ਲਈ
उठे सो मंच परते अगवाई अपने कहिंदे मंजे तों फिर अगे उठे हन घर सो लाए मिलियो सब संगा ते कहिंदे गल ना लाया सारे नू मिले पिखियो नरन सुभाओ तंगा फिर कहिंदे उन्हां दे उच्चे सुचे सुभा नू सारे ने देखना कीता उते सुशील चौधरी ग्रामू जड़ा पिंड दा चौधरी सी ओ भी बड़ा सुंदर जीवन आला सी बड़े चलन नेक चलन वाला सी उत्तम महि तख्त मल नामू बड़ा उत्तम सी उहदा नां तख्त मल सी ते बड़ा सुशील सहनशील सुभा दा सी तिन तां वाहे बंदना कीनी उन्हां आ के नमस्कार कीती सेव निमरता मह मत भीनी और जिन्हां दी सेवा ते निमरता मत भिजी हुई सी बुद्धि ते बलोक लहना कह बचना उन्हूं देख के पाई लहना ही बचन कहा मादर ता मृदल जिन रचना मादर मिठे मृदल कोमल बचन जड़े सी ऐसे बचन कहे मत वसाल गल मेरी आई हे श्रेष्ठ बड़ी मत वाले सानू आके गल ला के मिलो बंधन कर क्यों बैसे हो जाई बंधन करके क्यों बैठ गए हो सब नर मैं तुम अधिक वडेरे तुही सारे पुरशां च बहुत बड़े हो मन जगराम अनुसार सो तेरे ये जिन्ने भी पुरश हैगे नगर दे सारे तुहाडे हुक्म चलदे हन उचे पद को पाए नमाई ते उचे पद नूं पा के तुहाडे च बड़ी निम्रता है उत्तम से जग वेखे गनाई ओ संसार च उत्तम गिणे जांदे जिन्हां दी निम्रता हुंदी है फल को पाए तरोवर जोई जिहड़ा तरोवर दरख्त फल नूं पा लैंदा है शाखा झुके धरन पर सोई उहदियां शाखां टाणियां धरती वल झुक जांदियां हन कहे चौधरी दवै कर जोरे चौधरी ने दोवें हाथ जोड़ के कहा तुम सुशील अत सह प्रेम मोरे तुसी बड़े सुशील अते सानू बड़े प्यारे हो महापुरख के ढिग चिर काला महापुरखां भाव सतगुरां को बहुत लंबा समा रह के किन्नी सेव बसाला उत्थे रह के महान सेवा कीती है महापुरख के भय समाना तुसी महापुरखां दे समान ही हो गए हो तुमको पूजन मैं भर जाना तुहाड़ी पूजा करनी मैं चंगी जानी है गल सो मिलन जोग अब नाही हुण तुहाडे नाल गल ना नहीं मिलिया जांदा तां बराबर दे नाल मिलिया जांदा है सेवा करन ठटो मन माही हुण तां मैं अपने मन च ये गल ठट्टी धारी है कि तुहाडी सेवा करां सुन श्री लैणा हर क्यों भारी उहदी निम्रता चौधरी देख के भाई लैणा ही बड़े खुश होए खुशी अदक ते उपर धारी उहदे ते महान खुशी धारना कीती कहो वचन तूं अत बिरध हो वै कहण लगे हांजी कि तुहाडी उम्र बहुत लंबी होवे सतगुर भावे सब दुख होवे सतगुर सच्चे नूं भावे तेरा कोई दुख ना रहे सारे दुख खोवे नास हो जाण पाए सदन में सर्व पदार्थ और घर विच सारे पदार्थ नूं पौणा करी करो जाए परलोक होए करतार्थ परलोक जा के करतार्थ मुक्त हो जाओ तब ते तेने केत के माही उदों दे उस घर च किसू वक्त की कीम कमती नाही घर विच तुहानूं किसे तरह की कोई घाट ना आवे तुहाडे घर दे विच वाधा वाधा होवे करनी भगतरे दे मह जागी क्योंकि भगती करनी जिहड़ी तुहाडे हिरदे जाग पई है सतगुर नाम संग लिव लागी सतगुर दे बख्शे नाम ना तुहाडी लिव विरती लगी है बहरो करत पै सत भाउ अते फिर उन्होंने बड़ा प्यार किया उस्तत करें ले तो मुख नाऊ अते ना लै के मूँह तो उस्तती करते हैं दोहरा तेन बैठो ताकत मिल मान वापर सो बरिंद ताकतमल जी बैठ गया चौधरी साहब बरिंद मैंने होर भी पुरुष जड़े से बहुत सारे उत्थे बह गए शब्द आचार्यो साधुगुरु शरदा हित सुख कंध फिर शरदा ने मिलया होया जो शब्द सी गुरु नानक साहब वह पढ़िया श्री मुखवाग सूही महला पहला जिन गो भांड भाओ तिना सवार सी कहिंदे जिन्हां दे मन च अपने निरंकार का प्रेम आ पातशाह उन्हां दे जीवन नूं सवार दिंदे हन सुखी करे पसाओ दुख विसार सी उत्थे सुखां दा पसारा हो जांदा ते दुख दूर हो जांदे हन सहसा मूले नाहीं सर्प सार सी मूल कदाचित कोई संसा नहीं सर्प अवश उहनूं तारदे हन तिन्हां मिलिया गुरु आए जिन को लिखिया उन्हां नूं गुरु आ के मिलदे जिन्हां दे मत्थे ते श्रेष्ठ लेख लिखिया हुंदा है अमृत हर का नाओ देवै दिखिया ये अमृत रूपी परमेश्वर दा नाम जिहड़ा नाम आ उहनूं दिखिया उपदेश दिंदे हन चालै सतगुर भाए भवे न भीखिया जड़े सतगुरु जी दे भाए प्रेम विच रास्ते च चलदे है उन्हां दी फिर किसे प्रकार की कोई कमती नहीं रह जांदी वो गुरु जी की आग्या विच चलदे है सिदक न प्रेम दे नाल चालै सतगुर भाए भवे न भीखिया
वह फिर सतगुरु के भाने च तुरदे आ, वह कदे भी मंगते नहीं हैं, भाव उन्होंने लोड़ा महाराज की कृपा न पूरी हो जाए हैं। जा को मैल हदूर दूजा निवै किस कहते जिन्हों के हाँ जी हिरदे परमात्मा बसदे आ, वो कि अगे हाँ जी वो किसी होर नमस्कार क्यों करे, क्योंकि परमात्मा उन्होंने हिरदे निवास कर रहा है। दर दरबाणी ना ही मूले पुछते स पातशाह दे कहिंदे दर दा वो द्वारपाल बन जाता। हाँ जी कहिंदे नू मूल तो कदे कोई सवाल पुछदा ही नहीं, क्यों जिहड़ा वड्डा बंदा आ हैं उहदा जिहड़े वड्डे दा नाम लाओ वो कहिंदे जाओ महाराज, इस तरह मूल कदाचित हैं जी उहनू कोई नहीं पुछदे। जिहड़े धर्मराज दे दर दे दरबान च ही है उहनां नू पुछदे नहीं। छुट्टा तां कि बोल साहिब नज़र जिस कहिंदे उहनां दी बंद खलासी हो जाती है, जिन्हां ते महाराज की नज़र हो जाती मालक दी। कल्ले आणे आप जिस नाही दूजा मता कोई, पातशाह कहिंदे निरंकार आप हाँ जी इन्हां नू भेजदा है, तो आपे प्राणियों नू वापस बुला लैंदा, आपे भेजण वाला तो आपे वापस बुलाउणा। दूजा मता नाही दूजा मता कोई, कल्ले आणे आप जिस ना ही दूजा मत है कोई। कहिंदे मत जाणो कि दूजा कोई होर हैगा, उहनू मत कोई सलाह देण वाला होर कोई नहीं, वह अपने आप अपनी इच्छा सारा को करता है। ताहे वह सारे साज जाने सब कोए, वो आपे ही सारे जीवन साजदा है, आपे ढाक ढेरी कर दिंदा, ये उहदी अपनी लीला हैगी है, वो सारा कुछ आपे जाणदा है। नाव नानक बख्शीस नदरी करम होए, पातशाह कहिंदे जिहड़ा मालिक परमेशर आ एक नाम की दात दिंदा, वो दात दिंदा उहनू मिलदी है किहनू, जिहदे ते अपनी बख्शिश करदा, मेहर की निगाह करदा, उहनू अपनी बख्शीश वह दिंदा है। तो भाई ते चिन्ह सुन के बंदन कीनी, उस वेले सुन के नमस्कार कीती, भाव विखे मत सब की पीनी, प्रेम सारिआं दी बुद्धि भिज गई। इस प्रकार मिलकीनू गवन इस तरह फिर मिल के सारे ने जाना कीता, लहना रहे हो कितक दिन भवन, भाई लहना जी खडूर साहब कुछ दिन रहे, कब एक छिन चित परचित नाही, भाई लहना जी का एक पल थोड़ा मत्र मारा बिना चित नहीं परचता लगता, कब आंगन कब बाहर जाई, कदों बेड़े विच आंगन कदी बाहर चल जाते, गुरपद पंगा ढग मन छोरा, अपना मन सतगुरां दे चरण कमलों कोले छड़िया होया, ताने आव नकेत की ओरा, आ गया मुड़ नहीं सके शरीर जड़ा वह घर की तरफ आया, कैसे हुए चैन मन माही, मन च किवें चैन आवे, चंद चकोर चीत जित चाही, चंद जड़ा है चकोर चकोर वाऊ चित चाहता, जिमें चकोर पंछी आ चंद नूं हमेशा चित बचा, इस तरह है लोचन कमल रहे अलसाए, जड़े कहिंदे कबल नैन सी हर वेले आलस विच रहिंदे, बिना अपनों प्रीतम रा पाए, बिना अपने प्यारे सूरज प्रीतम रूपी कहिंदे सूरज नूं नहीं दिसदा, क्यों उन्हां नूं प्रीतम रूपी सूरज नहीं दिसदा, इस करके मन दी ऐसी हालत है, बिना अपनों प्रीतम रब पाए, बिना कहिंदे प्रीतम रूपी सूरज नूं पाए तो बिना सूरज नहीं दिसदा, भाव शांति नहीं आउंदी है, किसों कहे ना रहे उदासा, किसे नूं अपने मन दी गल कहिंदे नहीं, हमेशा उदास रहिंदे आ। इस वास्ते जिस तरह हुण हैगा कबल आ वह हाँ जी जड़े हैगे वह भी खिड़दे आ देख के, नहीं तो वह भी मुरझा जांदे आ। इस तरह लोचन कमन हर वेले अलसाए रहिंदे भी अपना प्रीतम रूपी रब सूरज कदों पाईए, फिर दर्शन करके मन प्रेमियां दे खिड़ जांदे आ, केसो कहे ना रहे उदासा, ਪਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਪਰਾਮ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਰਤ ਨਾ ਸੋ ਦੁਰਕਾਜ ਅਵਾਸਾ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਹਲਵੇ ਆਪਣੇ ਅਲਵੇਲੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਰਹੇ ਅਲਪ ਦਿਨ ਬੀਜ ਖਡੂਰੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਦਿਨ ਖਡੂਰ ਸਭ ਰਹੇ, ਪੁੰਨ ਚਾਹ ਚੱਲਿਓ ਨਿਕਟੂਰ ਪੂਰੇ, ਫਿਰ ਮਨ 'ਚ ਚਾਹਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਈਏ, ਸਭ ਨੂੰ ਸੋ ਮਿਲ ਕਰ ਹਿੱਤ ਸੰਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗਮਨਿਓ ਪੰਥਰੇ 'ਤੇ ਸੋ ਮੰਗਾ, ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਧਰ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਨਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਰਹੋ ਕੁਛ ਔਰ ਹੀ, ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਰਹਿ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਇਓ ਨਿਜ ਠੌਰੀ, ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਠੌਰੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਆਏ ਹੋ, ਜਥਾ ਯੋਗ ਸਭ ਸੋ ਕਹਿ ਨੀਕੇ, ਜਥਾ ਜੋ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ
पहुंचो पर करतार ने जी के कहते फिर करतारपुर नगर के नेड़े पहुंच गए। जाए दरस देखो सुखदाई कहते सुखा के दाते का जाके दर्शन देखिया मन बिन फनी मनो मन पाई। कहते जिस तरह गुआची मणि जड़ी है उस अपने मणि फेल अप है ना वह बड़ा खुश हो जाता। इस तरह कहते जिमें वो मणि पा ली इस तरह होया सरन सरन कर चरण गहाने थोड़ी शरण हाँ शरण चरण गहाने पकड़ लै नमू कीन पर दंड समाने। कहते डंडे वगू लंबा पै के नमस्कार की पुरखा भला कहे करतारा कह लगे पुरखा करतार तेरा भला करे अस कह टिक बिठाए सत्कारा। इस तरह के सत्कार ना कोल बहा लिया लहनी तूरन ही चल आयो भाई भाई लहना जी तूरन कहते छेती वापस आ गए भाई कहते तू छेती जल के आ गया रह निकेदना क्यों मन पायो। महाराज कह लगे तेनू घर रहना क्यों नहीं मन पायो चंगा लगा तुम सब जानो श्री जगन्नाथा। कहते हे जग देना तुम सारा कुछ जानते हो आवन रहन नहीं मुझाथा आना जाना तो रहना मेरे हाथ विच नहीं ज्यों पतंग है डोर अधीना जिमें पतंग हुंदा ना वो डोर दे अधीन हुंदा जिदों तुणका मारदे उधर नूं जांदा रहे खडार करख तबलीना जदों कि जिहड़ा पतंग चढ़ाउणा खिडारी है वो जदों मर्जी उहनूं करख मैने खिच लैंदा। आस कह सेव बेखै मन लावा ऐसा कह के सेवा च मन लाता देखत दरस रहत हुलसावा दर्शन देखदे रहे मन जोड़े हुलसावा खुश रहिंदे हन। ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਵਨ ਗ੍ਰੰਥੇ ਉਤਰਾਰਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਪੁਰਖਾਂ ਬਾਨਾ ਨਾਮ 48ਵਾਂ ਧਿਆਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।